स्टेज जी पीछे क्या स्टेज पे जनाब सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब कायदे हिज़्बे इख्तलाफ जनाब कमर नवान कहरा साहब जनाब चौधरी मंजूर अहमद साहब जनाब मुस्तफा खोखर साहब जनाब मियां मंजूर वट्टू साहब मोहतरमा समीना गुरकी साहिबा दोस्तों भाइयों बुजुर्गों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो आज जो हमने ये कैंप लगाया है ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को उनके वादे याद कराने के लिए लगाया है। उन्होंने जो वादे किए थे उन पर तफसीली तौर पर सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब बयान दे चुके हैं और आपसे उनका उनके हवाले से गुफ्तगू कर चुके हैं। अख्तर भाइयों अख्तर भाइयों मैं भाइयों अख्तर कह देना तेरू भेजो उस उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो बातें अभी तक नहीं हुई मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। कमर जमान कहरा साहब ने खूब कहा कि नवाज शरीफ पैनामा लीक डॉन लीक तेरी इंशाल्लाह लीके निकालते रहेंगे और निकलवाते रहेंगे। पैनामा लीक पे बहुत कुछ कहा जा चुका है और पनामा लीक सब घर 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 बात पहुंच चुकी है। पनामा लीक्स पे ये साबित हुआ है कि नवाज शरीफ खानदान ने अरबों की लूट मार की है पाकिस्तान से, जिसके इवज उन्होंने अरबों की जायदाद लंदन में बनाई है, तभी हर दूसरे दिन लंदन पहुंचे हुए होते हैं। जरा इधर इधर खामोश अगर हो जाएंगे ना कोने में अगर पीपल जारी रखो जी तो पनामा लीक्स से साबित हुआ। पनामा कोई हमने साबित नहीं किया। मरियम नवाज ट्वीट करती है कि पनामा की बात करने वालों को शर्म आनी चाहिए, उल्टा कोतवाल चोर कोतवाल को डांटे शर्म आपको आनी चाहिए। तजोरियां आपने भरी हुई थी गैर मुल्कों में, आपने दौलतें और जायदादें खुफिया रखी हुई थी, वो पैनामा किसे जब आश्कार हुआ दुनिया सारी को पता लगा। किसी वजीर आजम ने इस्तीफा दिया, किसी वजीर आजम ने असेंबली डिसॉल्व की, कोई अदालत के सामने पेश हो गया खुद। तुम्हें खींच खींच के नवाज शरीफ कौम अदालत के कटहरे पे लाती रही और तुम फिर भी झूठ बोलते रहे, ये कहते रहे कि मैंने पहले कहते थे मेरी कोई जायदाद नहीं, ये बच्चों का नाम आया है। मैं पूछता हूँ किसी एसपी का,
किसी डीएसपी के बच्चे के दो घर तीन घर डीएचए में पाए जाए तो पकड़ा कौन जाएगा? बच्चा पकड़ा जाएगा कि डीएसपी को पकड़ेंगे? किसको पकड़ेंगे? तो जो अहदेदार होता है वो पकड़ा जाता है। मियां नवाज शरीफ नाम हुसैन शहनवाज का आए, नाम मरियम का आए, असल चोर तो तुम हो, असल नाम तो तुम्हारा है। और कहते हैं दादे ने कारोबार किया, दादे ने कारोबार किया 25 साल कारोबार किया कतर में 25 साल अरबा रुपया बनाया मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम ने, दादे ने कारोबार किया, उसका कोई सबूत हमारे पास नहीं है, कोई बैंक अकाउंट नहीं है, कोई खाता नहीं है, कोई बही खाता नहीं है। अब दादे ने कारोबार किया, पोते से क्यों हिसाब लेते हो? ये इसी तरह है कि दादा इस चौक पे खड़ा हुआ हो, ये बत्ती वाले चौक पे या ये जहाज वाले चौक पे, कार बत्ती पे रुके, मर्सिडीज कार किसी की, उसकी कनपटी पे पिस्तौल, दादा पिस्तौल रख के कार छीन के ले जाए और कामों की जाके पोते को पकड़ा दे, पोते तक पुलिस पहुंचे, पोता कहे मेरे को दादा दे गया, दादे को सारा मसला। अब सारा मसला बस मौलाना अब सारा मसला हमें समझ आई कि वो मरियम नवाज शरीफ को बचाने का था और आज भी है। मरियम नवाज शरीफ को बचाने के लिए पहले बेटे से इकबाल जुर्म करा लिया था कि बेटी के ऊपर हरफ ना आए। बेटा कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह ये जायदादें हमारी हैं, ताकि मरियम पे हरफ ना आए। अब डॉन लीक्स हुई है, डॉन लीक्स कैसे हुई है? कोई बात वजीर आजम के घर में, वजीर आजम की सेक्रेटेरिएट में अगर खुफिया मीटिंग में होती है तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जब हुई कश्मीर पे, तो हम जब उससे बाहर निकले, बिलावल चेयरमैन बिलावल हमारी क्यादत कर रहे थे, बाकी सब जमातें भी थी, जब हम बाहर निकले तो फोन आने शुरू हो गए, इतराज हसन तुमने ये बात की, कमर जमान कह रहा तुमने ये बात की, शहरी रहमान ने ये बात की, शाह महमूद ने ये बात की। हम हैरान हो गए कि तो बंद कमरे में बात थी। दो दिन बाद कमर जमान कह रहा, शाह महमूद और मोहम्मद जुबैर तर्जमान था उस वक्त हुकूमत का, अब वो गवर्नर हैं सिंध के, ये बैठे थे टॉक शो पे। शाह महमूद ने कहा मैंने तो ये बात की नहीं, जो पट्टी चल गई। मोहम्मद जुबैर कहने लगा तो आपने बात की? शाह महमूद ने कहा मैंने नहीं की। उसने कहा आपने की? शाह महमूद ने कहा तुम्हें किस तरह पता है? वो कहता है ये रिकॉर्ड पे है, कई दफा चला है। मोहम्मद जुबैर कहता है ये बात तो हम सारी मरियम के मीडिया सेल में बैठे सारी बातें आपकी सुन रहे थे। खुरा किथे पहुंचा? चोरों दे कार। खुरा किथे पहुंचा? चोरों दे कार। खुरा किथे पहुंचा? चोरों दे कार। मीडिया सेल लेट पहुंचा, हुन या दान दियो या खुरा अगे टोर दियो। खुरा डॉन लीक्स का भी वहीं पर जाता है, कुर्बानी के बकरे बना दिए तत्मी को और पीआईओ
प्रेस इंफॉर्मेशन अफसर राव तहसीन को, ये बेचारे कुर्बानी के बकरे हैं क्योंकि इनकी आवाज नहीं है, इनकी सियासत नहीं है। और दो बड़े ऑनरेबल इज्जतदार साफियों को, एडिटरों को इन्होंने उनकी तजलील करने की कोशिश की है। जफर अब्बास जो एडिटर डॉन अखबार है, डॉन अखबार की बुनियाद कायदे आजम ने रखी थी, पाकिस्तान के मुक्कर तरीन अखबारों में है। और जो सहाफी है, जो सहाफी है सिरल अलमायदा, वो भी एक मोतबर सहाफी है, उनकी उसकी भी तजलील करने की कोशिश की है इन्होंने। हम डॉन के साथ, हम सिरिल अलमायदा के साथ, हम जफर अब्बास के साथ खड़े हैं। और हम समझते हैं कि असली चेहरे को बचाने के लिए तारिक फातमी और शेख परवेज रशीद बेचारा भी बोल पड़ा है। वो उसने कहा है कि अगर वजीरे इत्तलात रखना है खबरें रोकने के लिए, तो तालीम भी, तदरीस में भी, जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में भी खबरें रोकने का एक महकमा बना दो, ताकि हमारे कमर जमान कहरा साहब इतने कामयाब वजीरे इत्तलात रहे हैं, पूछे इन्होंने कभी कोई खबर रोकने की कोशिश की नहीं, खबर की वजाहत करने की कोशिश की, खबर के दूसरा रुख पेश करने की, ये इनकी जहानत थी। पर कभी किसी अखबार नवीस को फोन करके कहा कि आ खबर तू नहीं देनी वरना, ये वरना जड़ा है शरीफ खानदान का खासा है, ए नहीं करना वरना पट्टी विच सुट देंगे वरना। डॉन लीक्स का मामला अभी खत्म नहीं हुआ। हम समझते हैं कि इसमें जब तक सही गैर जानिबदार इंक्वायरी नहीं होती, आमर रजा खान को जो बयान चौधरी निसार अली ने मंसूब किया, उससे आमर रजा खान, जस्टिस आमर रजा खान की गैर जानिबदारी मजरू होती है। उन्होंने कहा कि आमर रजा खान ने यह शर्त रखी थी कि अगर फैसला मुतफिका ना हुआ, अगर फैसला मुतफिका ना हुआ तो मैं तय करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक जज कह रहा है कि जब तक मेरी बात ना मानी गई, मेरे पास वीटो ना हुआ, मैं दस्तखत नहीं करूंगा। लेकिन वजीर दाखिला ने एक बात दुरुस्त की है, अब इत्तेहाद अहसन और चौधरी निसार अली का आप सोचें इत्तफाक हो गया है। एक बात चौधरी निसार अली ने दुरुस्त की है, वो कहता है कि ये जो ट्वीटे हैं, ये ट्वीटे जो हैं, ये जहर कातिल है। बिल्कुल चौधरी निसार अली दुरुस्त कहते हो, ये ट्वीटे जहर कातिल हैं। पर सिर्फ अगर मर्द हो तो मरियम नवाज शरीफ को भी ट्वीट करने से रोको, उसको रोक दो तो हम मान लेंगे कि तुम वाकई वजीर दाखला हो, वरना तुम मुलाजमत कर रहे हो मिश्री।